हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाना की एक ड्रिंक की रेसिपी जो कि है ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री और इसमें बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं, जिसे आप फास्टिंग के दिन भी खा सकते हैं और ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। तो चलो चलते हैं किचन में और देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10 से 12 आलमंड्स, जिन्हें मैं पानी में बॉईल कर लूंगी और 5 मिनट तक, उसके बाद फिर 5 मिनट उसी बॉईल पानी में मैं छोड़ दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ रेसिपीज बनानी पड़ती हैं जिसमें हमें सोक्ड आलमंड्स की जरूरत होती है, बट हम लोग अगर भूल जाते हैं तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अब जब तक हमारे आलमंड्स ठंडे हो जाते हैं तब तक हम कर लेते हैं मखानों को रोस्ट। मैं यहाँ ले रही हूँ एक छोटी कटोरी जितना मखाना, साथ में ले रही हूँ 2 हरी इलायची। हम मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे क्या होता है बहुत एक अच्छा क्रंची फ्लेवर मेंटेन होता है। मखाने हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, देखिए जब हम इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से क्रैकलिंग एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपके मखाने हो गए हैं रेडी। आलमंड्स भी हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें पील आउट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कितना इजी हो जाता है पील करना। एक एक करके हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल देंगे। रोस्टेड मखाना, आलमंड्स, 4 से 5 कैशियो नट्स, मैं यूज कर रही हूँ 1/2 एप्पल्स का। आप इसमें एप्पल की जगह बनानास भी यूज कर सकते हैं या आप अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स भी इसमें इस्तेमाल कर। में ले लेंगे 2 डेट्स। अब डाल लेंगे 1/2 ग्लास जितना पानी। अब पूरे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से कर लेंगे ब्लेंड। पूरे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, अब हम कर लेते हैं सर्व। मैं ले रही हूँ सोक्ड चिया सीड्स। अगर आपके पास बेजल सीड्स है यानी कि सब्जा के बीज तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स कुछ इस तरीके से थे, मैंने उन्हें 1/2 घंटा भिगो के रखा था, उसके बाद ये इस तरीके से हो गए। तो सबसे पहले हम बेस में डालेंगे हमारी सोक्ड चिया। फिर डालेंगे हमारी मिक्सचर। गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पिस्ताचियोस का यूज कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं कुछ ले रही हूँ केसर यानी कि सैफरन के स्ट्रैंड्स। ड्राई फ्रूट्स मखाना ड्रिंक रेडी है, आप इसे दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फिलिंग है। ये आपको बहुत देर तक भरा हुआ रखेगा, आपको भूख नहीं लगने देगा और साथ ही अगर आप उपवास कर रहे हैं या फास्टिंग में हैं या रमजान में हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत फिलिंग रेसिपी है। तो मैं फिर आपके पास मिलूंगी एक इसी तरह की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।